बागली विकासखंड क्षेत्र में बारिश की लंबी खींच के चलते सोयाबीन फसल पर संकट छा रहा है। हल्की जमीन की फसल सूखने लगी है। लगभग एक माह से बारिश न होने के कारण फसल खराब होती दिखाई दे रही है। इसी को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले तहसील इकाई बागली एवं हाटपिपलिया के नेतृत्व में SDM कार्यालय बागली पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि अति शीघ्र ही सर्वे कराया जाए। कनिका 6-4 के तहत किसानों को एक मुफ्त राहत राशि प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन बताया गया है कि किसानों द्वारा बड़ी उम्मीद के साथ सोयाबीन फसल लगाई थी, महंगे दामों में बीज खरीदा था। ऐसे में किसानों के ऊपर संकट छा रहा है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में चुनावी समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य वर्ग के लोगों को कई सौगातें दे रहे हैं, लेकिन किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि समय रहते जल्द ही किसानों की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसानों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल में बारिश की लंबी खींच के कारण फसल सूख गई और ख़राब हो गई। हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, सर्वे कर मुआवजा दिया जाए व बीमा दी। लगभग एक महीने से ऊपर हो गया पानी गिरा, लगभग सोयाबीन तो खत्म हो गई है, पतली जमीन की तो खत्म ही हो गई है, उनकी जड़ भी सूख गई है और मोटी जमीन की भी लगभग 70% तो पूरी फसल ही खराब हो जाएगी, उसमें किसान को कुछ नहीं मिलने वाला है। बागली तहसील से रवि पाटीदार की रिपोर्ट।